बच्चों, आरएमसी का रिजल्ट आ चुका है। कैसे देखेंगे आप लोग? गूगल में आरएमसी सर्च करें, आरएमसी की ऑफिशियल साइट आएगी, इसमें क्लिक करें। आरएमसी का वेब पेज खुलेगा, स्क्रॉल डाउन करना। यहाँ पर साफ साफ लिखा है रिजल्ट्स में, रिजल्ट्स ऑफ आरएमसी एंट्रेंस एग्जाम 2018, इसमें क्लिक करना। और आप इसमें क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ फाइल खुलेगी, ठीक है। और ये है रिजल्ट ऑफ आरएमसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो दिसंबर में हुआ था। इंटरव्यू की डेट इज मेंशन बेटा 4 अप्रैल 2019 एट द रिस्पेक्टिव स्टेट्स, ठीक है। तो इंटरव्यू अलग अलग स्टेट्स में होंगे और 4 तारीख होंगे, 4 अप्रैल को, ठीक है। तो कम टाइम बचा है आप लोगों के पास, लगभग वैसे 1 महीना मान के चलिए। तो आपको बेटा यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर योर इंटरव्यू। अच्छा, इसको अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे देन यू विल फाइंड स्टेट वाइज रिजल्ट, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश गिवन है, इसमें कितने बच्चों ने अपीयर किया था वो भी दिया है, कितने कैंडिडेट्स रिजेक्टेड हैं वो भी दिया है, टोटल कितने बच्चे हैं वो भी दिया है, और कितने बच्चे पास हुए वो भी दिया है, कितने बच्चे इंटरव्यू के लिए बुलाया है या वाइवा के लिए बुलाया है वो भी दिया है। तो एक बच्चा आंध्र प्रदेश से है। और अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ, लेट्स कम टू उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में आते हैं। रही बात उत्तराखंड की, तो 4 बच्चे इस बार बच्चों ने क्वालिफाई किया है। कैंडिडेट्स 413 अपेयर हुए जिसमें से एबसेंट 40 थे, तो 453 आप जो टोटल कैंडिडेट्स थे 413 ने दिया है, और 4 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उत्तराखंड से, और जिनमें से एक डिफेंस ऑफिसर्स अकेडमी का भी है। तो मैं वो 4 बच्चे आपको नाम बता दूं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इसमें रहती है कि जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं उनका उनके मार्क्स नहीं रहते मेंशन। तो एक अवतृत गुप्ता है, ठीक है, जिनका रोल नंबर 110 है। उसके अलावा 2 बच्चे और हैं आर नाम से, जिसका नाम है, एक का नाम है, ओके थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, हाँ, एक का नाम है रोहन तनेजा। तो क्या लिखा हुआ है, क्वालिफाइड एंड मार्क्स विल बी शोन आफ्टर इंटरव्यू। एक रोहित कुमार है, क्वालिफाइड एंड मार्क्स विल बी शोन आफ्टर इंटरव्यू। इनका स्टेट ऑफ डोमिसाइल बिहार है। और जो हमारा बच्चा इस बार सिलेक्ट हुआ है उसका नाम है सुमित नेगी, ठीक है। तो सुमित नेगी रोल नंबर 399, क्वालिफाइड एंड मार्क्स विल बी शोन आफ्टर इंटरव्यू, ठीक है। तो इनके इंटरव्यू के बाद इनके मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप लोग रिजल्ट देखिए, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।